नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रोगी में आपका स्वागत है। मैं आचार्य शांति स्वरूप जोशी। तो दर्शकों, राशिफल 2019 की इस खास सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक विशेष अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लाइक करने की कोशिश करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, तथा हमारे वेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो दर्शकों, 2019 का जो शुरुआत हो रही है वो कन्या लग्न और तुला राशि में है, और जो तुला राशि है वो आपकी राशि से कहीं ना कहीं तीसरे घर में उसका स्थान बनता है, और तीसरा घर जो हमारे जीवन का कुंडलिका में हम देखते हैं वो पराक्रम का स्थान है, भाई बहन का स्थान है। तो आपके पराक्रम के लिए, मतलब जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है, उसको दिखाने का जो समय है वो 2019 है। कई लोग कहते हैं कि हमारे अंदर सब कुछ है, हम सारी मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो 2019 में आपको इस प्रकार की शिकायत नहीं रहेगी। पूरी तरीके से अपने पराक्रम को कैश करने का, या पराक्रम से जो है जो भी आपका लाभ होता है उसको अर्न करने का जो है 2019 का साल में आपका देख रहा हूँ। चंद्रमा जो है शुक्र के साथ विराजमान है, तो शुक्र स्त्री पक्ष है, और कह सकते हैं कि हमारे जो जीवन में जो है शुक्र का जो है जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, जो हमारे सुख सुविधाएं होती हैं जीवन के, उनका जो कारक है उनको देखने वाला शुक्र होता है। तो इसका अर्थ सीधा सा ये हुआ है कि आपके जीवन में जो है जो हमारे सुख होते हैं, भौतिक सुख जिसको हम कह सकते हैं, गाड़ी है, मकान है, वाहन है, अच्छे कपड़े हैं, तो इन प्रकार के सुखों को भी आप 2019 में परिपूर्ण तरीके से जी रहे हो, मतलब उनको भोग रहे हो। तो ये आपका अच्छा पक्ष है आपकी कुंडलिका में चंद्रमा और शुक्र के मिश्रण से या उनके गोचर में एक साथ रहने के कारण। हाँ, स्त्री पक्ष से जरूर थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो, वहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर आप उनसे डील कर रहे हो या उनसे आप आगे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हो किसी पॉइंट पे, तो काफ़ी सावधानी आपने बरतनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि आगे चलकर वो आपके लिए एक रुकावट, एक अवरोध पैदा करे। तो बेसिकली बहुत छोटा सा है, मतलब ये कह सकते हैं कि छोटा सा प्रॉब्लम है, बट उसको अगर आप ध्यान रखते हैं, अगर उसको आप बैलेंस करते हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है वो भी आप आराम से अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने पराक्रम से उसको पार पा जाएंगे। तो 2019 अगर मैं देखता हूँ, कुल मिला के आपके लिए हर क्षेत्र में काफ़ी लाभप्रद रहने वाला है, बस उसका इंतजार कीजिएगा और निश्चित है उस फलों का आप यहाँ पर भोगेंगे भी। तो दर्शकों, हमारा जीवन का जो सबसे पहलू है और सबसे प्रथम पहलू मैं लेता हूँ वो है हेल्थ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि हेल्थ बहुत सर्वोपरि है, हेल्थ से ही हम सारी चीज़ें आगे देख पाते हैं या कर पाते हैं, जो भी क्षमता हमारे शरीर या मस्तिष्क की होती है वो हेल्थ से जुड़ी है, तो हेल्थ का पॉइंट पहले है। 2019 में मैं आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो तो सूर्य हैं, और वही आपके लग्न के स्वामी, आपके हेल्थ के स्वामी भी बन रहे हैं। आपके छठे घर के स्वामी यहाँ पर शनि हैं, तो आपके हेल्थ के और आपका कहीं ना कहीं देखा जाए सिक्स हाउस के लॉर्ड जो हैं वो सूर्य और शनि एक साथ पंचम घर में विराजमान हैं। मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कह सकते अपने कार्य में बिजी थे और काफ़ी समय से अपने खान पान पे, अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे थे, उन लोगों के लिए विशेष मैं कह सकता हूँ कि 2019 में आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, बट अगर यहाँ पर भी आपने इस साल भी इसी प्रकार अपने जीवन को बिजी रखा, व्यस्त रखा अपने आप को, तो हो सकता है कि आने वाले आगे कुछ वर्षों में इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले। तो 2019 जो हेल्थ के मामले में आपके लिए केवल एक अलर्ट के लिए कि भी आपको अपना ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी, और वैसे जो ग्रहों की स्थिति 2019 में बनती है वर्ष प्रवेश के समय आपके लिए, तो हेल्थ पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम या कोई ज़्यादा दिक्कतें मैं नहीं देख रहा हूँ। दर्शकों, दूसरा पहलू जो हमारे जीवन का है वो है हमारा प्रेम संबंध, हमारी पर्सनल लाइफ, क्योंकि ये भी जितना शरीर है और मन को शांत रखने के लिए आप किस लिए जी रहे हो, किसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है।
पर्सनल लाइफ में दोनों पॉइंट हैं, हमारा प्रेम संबंध आ गया, हमारा दाम्पत्य जीवन आ गया। तो प्रेम संबंध का जो स्वामी है 2019 में वर्ष के प्रवेश के समय जो है बृहस्पति बन रहे हैं, और बृहस्पति जो है आपकी राशि से मैं देखता हूँ चौथे घर में बुध के साथ विचरण कर रहे हैं, तो इससे क्या संबंध बन रहा है, चौथा घर जो हमारा है वो सुख सुविधाओं वाला घर होता है, और बृहस्पति जो है वृश्चिक राशि में जो है बुध के साथ विचरण कर रहे हैं। तो अब जो आपने जो प्रेमी युगल थे पहले से इसमें, उनका जो संबंध है कहीं ना कहीं सामने आने वाला है, और मुझे लगता है कि आपके ऊपर अगर कोई आपको देखे कि आपके बीच में क्या चल रहा है, उससे पहले सबसे बढ़िया कि आप अपने संबंध के बारे में मतलब अपने घर वालों को या अपने जो आपके पारिवारिक लोग हैं उनको आप बता दो, जहाँ से हो सके कि वो कहीं ना कहीं इसके लिए सुचारू रूप से आगे के बारे में या आपके जीवन को शादी में परिवर्तन करने के लिए सोचें। तो जो पहले समय से या जो पहले से इस प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए तो ये साल जो है एक शादी में बनने वाला भी है और काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ, बट जो नए संबंध चाह रहे हैं, जो नए पार्टनर की तलाश में हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि वर्ष के पहले शुरुआत में भी कुछ नहीं है और मध्य में भी मैं बहुत कम चांस देखता हूँ, बट हाँ अंत में जो हमारा जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है 2019 का, यहाँ पर उनकी जो सर्चिंग है वो यहाँ पर ख़त्म हो सकती है, मतलब कोई जो लाइफ पार्टनर है उनके साथ जुड़ सकता है। वही दाम्पत्य जीवन जो हमारे वैवाहिक जो जातक हैं तो उनका जो स्वामी बनता है आपके कुंडली का सा शनि बन रहा है, शनि निश्चित जो है सूर्य और सूर्य के साथ पंचम घर में विचरण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा दाम्पत्य जीवन में अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पर मुझे विश्वास की कमी दिख रही है। आप दोनों पार्टनर को यहाँ पर सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप दोनों में कहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पर एक दूसरे को आप समझ नहीं रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो साल है आपके लिए आपकी कमियों को उजागर करने वाला भी है, और उसको कोई दूसरा ना देखे, आप खुद से देखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उसको पूरी तरीके से फिर उसके भी सुधार कर सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर पति पत्नी के जो कमियाँ हैं आप दोनों के बीच, उन कमियों को अगर ढूंढ लिया और अगर फिर आपने बात करके आगे बढ़े तो दाम्पत्य जीवन भी आपका सुख में बना रहे। दर्शकों, तीसरा मुख्य पहलू हमारे जीवन का हमारा कार्य क्षेत्र होता है, हमारा करियर होता है, चाहे हम बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे हम जॉब आदि करते हैं उनसे जुड़े हुए हैं, दोनों पहलू बहुत ज़रूरी हैं। तो आपकी कुंडलिका में सिंह राशि से जो है वर्ष प्रवेश के समय, वर्ष के शुरुआत के समय जो बिजनेस के लॉर्ड बन रहे हैं वो आपके शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपकी कुंडलिका में आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। जैसा मैं कि ओवरव्यू में आपको बता चुका हूँ कि कार्य क्षेत्र के लिए आपका 2019 जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, बस यहाँ पर आपको जिस प्रकार से आप मेहनत करते आ रहे थे उसी प्रकार मेहनत आप करते रहेंगे तो निश्चित है कि आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो पराक्रम है वो प्रूफ हो पाएगा, और प्रूफ हो जाएगा तो निश्चित आपकी पदोन्नति, मतलब हम कह सकते हैं प्रमोशन और ग्रोथ या सैलरी बढ़ोतरी आप चाहते हैं तो निश्चित है कि उसमें आपको मिलना ही मिलना है। तो 2019 खास करके आपके पराक्रम क्षेत्र के लिए बहुत बढ़िया, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिजनेस के लॉर्ड जो मैं आपकी कुंडलिका से देखता हूँ तो आपकी राशि से जो है शनि बन रहे हैं, और शनि जो है कहीं ना कहीं पंचम भाव में सूर्य के साथ विराजमान है, तो यहाँ पर आपको बिजनेस क्षेत्र में भी अब आपका जो है अपना जो माइंड जो अभी तक आपने पूरी तरीके से यूज नहीं किया था या आप संकोच कर रहे थे कुछ चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, एक नया स्टेप लेने के लिए या रिस्क लेने के लिए लाइफ के लिए, तो मुझे लगता है कि ये रिस्क लेने वाला समय है। आप बिजनेस में अगर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आप प्रयास करते हैं कि कोई भी आपके साथ अगर खुद आप अपने दम पे कर रहे हैं या कोई आप किसी के साथ लेकर किसी का सपोर्ट लेकर अगर आप आगे बढ़ सकते हैं तो वो समय आपके लिए 2019 तो बेटर रहेगा ही, और आने वाले आगे के कुछ साल भी आप अपने लिए बहुत मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों, चौथा पहलू हमारे जीवन का फाइनेंस है, जिसको हम धन कहते हैं, और धन भी एक बहुत ज़रूरी पहलू है, रखा मैंने इसको चौथे पॉइंट पे है, बट कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता, इसकी ज़रूरत जो है हमारे जीवन में बहुत अपने आप में महत्व रखता है। धन सब कुछ नहीं है बट बहुत कुछ है, जो कि आपके सामाजिक दायित्व को, आपके पारिवारिक दायित्व को और आप खुद के लिए भी जो कहीं ना कहीं जीवन में कुछ कर सकते हैं, तो उसके लिए धन की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है।
तो धन का जो लॉर्ड है आपकी कुंडलिका में वो आपका बुध बन रहा है, और बुध जो है आपकी राशि से चौथे घर में विराजमान है। और डिग्री वाइज थोड़ा सा 29 डिग्री 24 पॉइंट का है, जिसे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बाल्यावस्था का बुध यहाँ पर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि नए धन के स्रोत जो हैं, जो शुरुआत होता है, नए धन के स्रोत जो हैं 2019 में आपके लिए मिल रहे हैं, बस आपको उनको पहचानने का काम करना है। देखो पराक्रम क्षेत्र से ये जुड़ा हुआ, तो जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी मेहनत है, उसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपको नए धन का लाभ यहाँ पर मिल रहा है। और नए प्रकार के जो धन के स्रोत हमारे जीवन में होते हैं वो 2019 में मैं सिंह राशि वालों के लिए देख रहा हूँ। वहीं अगर हम बात करते हैं पैतृक संपत्ति की, तो माता से संबंधित जिस जातक का जो है संपत्ति का अधिकार माता के पास है, उनके लिए तो 2019 बहुत अच्छा है कि माता की तरफ से पैतृक संपत्ति मिलने का योग भी है। हाँ, पिता की तरफ से अगर जिनका है तो मुझे लगता है उनको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा, बट खुद के दम पे, खुद के बल पे जो है 2019 धन के मामले में आपके लिए काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ। दर्शकों, ये राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के अनुसार बनाया गया है, कुछ ग्रहों को या चंद्रमा को डिपेंड करते हुए रखा गया है। हो सकता है आपके कुंडलिका से ये राशिफल मैच ना करता हो, तो आप अगर इसके बारे में पूरी तरीके से अपनी कुंडलिका के बारे में जानकारी चाहते हैं या मेरे से परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, नववर्ष 2019 आपके लिए मंगलमय बना रहे, ये कामना मैं पूरे एस्ट्रोगी परिवार की तरफ से करता हूँ। दर्शकों, अगर आप अन्य किसी वीडियो की जानकारी लेना चाहते हैं 2019 के बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।